सर्वप्रथम आह्वान करें हम परात्पर एवं परात्पराजन्नी की सम्मिलित दिव्य चेतना का, वह अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि श्री अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो फोर द सीक्रेट नॉलेज 51वें पृष्ठ की पहली पंक्ति पर 26वें इंस्टॉलमेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं, ताकि रखे गए भाव को, विचारणा को, मंत्रों को, सूत्रों को प्रकट होने पर हम ठीक ठीक देख सके, जान सके, सीख सके, समझ सके। तद अनुरूप साधना के ध्रुव पथ पर अपना कदम आगे बढ़ा सके, इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं। कहते हैं महायोगी, अलार्म बाय द सारो ड्रैगिंग एट हर फीट एंड कॉन्शियस ऑफ द हाई थिंग्स नॉट येट वॉन, ever she nurses in her sleepless breast an inward urge that takes from her rest and peace. Ignorant and weary and invincible, she seeks through the soul's war and quivering pain the pure perfection her married nature needs, a breath of Godhead on her stone and mire. पूर्व के कुछ भाव को साथ रखकर सरल भाव की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सृजित सृष्टि में धरती अपनी दूरी पर व्यर्थ से चक्कर काटती प्रतीत होती, और ऐसे व्यर्थ से चक्कर काटने वाली एक गति में अभिव्यक्त हुई बाह्य आकारित चेतना पर पड़े अचित एवं काल संचालित कोलूरणी भार के बोझ तले यह धरा व्यर्थ से चक्कर काटती स्वयं पर व्याप्त असत अज्ञानकार की मोटी चादर के भीतर रोग शोक संत्रास संताप एवं मृत्यु ग्रसित जीवन पर छाई कभी समाप्त न होने वाली शोक श्रृंखला से सदैव भयाक्रांत भयभीत बनी हमारी धरती एवं यहाँ का हमारा जीवन तथा ब्रह्मांड में अपनी धुरी पर श्रमित क्लांत बनी बस निज चरणों के संग जीवन प्रारंभ सचेतनता से खींची आती शोक श्रृंखला से सदैव डर भय से भयभीत बनी यूं ही व्यर्थ सी चक्कर काटती प्रतीत होती है, किंतु इतनी भयाक्रांत स्थिति से भी भागवत लक्ष्य की ओर धरती के बढ़ते चले जाने के उत्साह में कभी कमी नजर नहीं आती। जड़ीभूत अवस्था से उपजे अवचेतन से सतत चेतना ऊर्ध्वारोहण से वृद्धिंगत सचेतनता के माध्यम से क्रमशः उन्नत स्वरूपों में विकसित होते हुए बड़ी कठिनाई से ही यह बढ़ने का प्रयास कर पाती।
ऐसी कठिन कठिनाई में कभी झुकती या रुक सकने का भाव दर्शाती नहीं, क्योंकि सृजित सृष्टि एवं धरती के अस्तित्व के अणु परमाणु में अभिव्यक्ति के समस्त सब कुछ के अंदर भीतर निवसित रोम रोम में व्याप्त परमात्मा अंश चेतना कभी भी भागवत संकल्प को विस्मृत नहीं करती और सतत विकासोन्मुख बनी रहकर नित नवीन उन्नतर अभिव्यक्तिकरण की ओर वृद्धिंगत सचेतनता धारण कर लेने हेतु सतत अग्रसर बनी रहती है। अभी तक अविजित उन्नत तथ्यों के प्रति सचेतन रहकर जागरूक बनी रहती है। धरती माता अपने अस्तित्व के अणु परमाणु में विराजित शाश्वत के अंश समस्त आकारित निवास से लेकर पूरे धरती सृष्टि के समुच्च बाह्य आकारित दिव्य चेतना पर पड़े अचित असत अज्ञान अंधकार आवरण से बाधित बने रहते हुए भी अपने अनिंद्र उर्मे हृदय में वह भागवत दिव्य संकल्प सिद्धि के प्रति दृढ़ संकल्पित बनी रहकर अंतर में स्पंदित लक्ष्य संसिद्धि की प्रेरणा को सतत पाले ही रहती है। बाधक पड़े अचित आवरण जो उसके लक्ष्य सिद्धि प्रयास में सदैव उसके सब शाश्वत गुणवत्ता की शांति आराम चैन सुखों को सदा उद्भ्रांत उद्वेलित करके समाप्त कर देने तक के प्रयास की हद तक यह धरा लुटती रहती हारती रहती फिर भी कभी प्रयास बंद नहीं होता। अज्ञ अंध स्वयं को कभी न बदलने की चाह न रखने वाले अचित के जड़ीभूत प्रतिरोध से थकी हुई अत्यंत परिश्रांत और अजेय सी लगने वाली बाधा से धरती की आत्मा भागवत संकल्प सिद्धि प्रयास में कांपते हुए अत्यंत दुखी अवस्था में भी अपनी छलनी हुई घायल अवस्था में भी सतत संघर्ष युद्धरत रहते हुए उस शुद्ध परिपूर्णता को जो देवी दिव्य गुण है उसको सतत अथक ढूंढा करती है, किंतु भागवत संकल्प सिद्धि के प्रयास में कोई मरहम बनकर उसके घावों पर लग सके ऐसा उसे अत्यल्प सहायता दे सके राहत दे सके प्रतीत नहीं होता। धरती माता अपनी जड़ीभूत अचित अज्ञान अंधकार युक्त पथरीली एवं दलदलता वाले कीचड़ कर्दम में कहीं अत्यंत गहराई में छिपकर सोई हुई दिव्यत्व देवत्व की सुषुप्त पड़ी मृत प्राय स्थिति से विकसित होकर उसके जीवंत उठने के
देवत्व की श्वास प्रश्वास की चिर अभिलाषा रखती, जो न कभी कम होती न कभी बुझती, और सतत नित नवीन उत्साह उमंग से जोश भरते हुए भागवत संकल्प सिद्धि हेतु भागवत शक्ति और ऊर्जा के वरद हस्त को धारण करके सजन के सतत नवीन नवीनतम आकारों में उन्नत स्थिति में स्थित होती चली जाती, बढ़ती ही जाती है। आज हम इस सारगर्भित विषय को यहीं विराम देते हैं। आह्वान पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्पराजन्नी की सम्मिलित दिव्य चेतना, जिन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के दिव्य सूत्रों मंत्रों को प्रकट होने पर देखा सीखा समझा जाना, अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें प्रकट हुए इस ज्ञान को, विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराएं, ताकि जब जब साधना के ध्रुवपथ पर हमें ज्ञान की विज्ञान की आवश्यकता हो, तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के ध्रुवपथ पर हमारा नेतृत्व कराए। इसी मनोभाव से हम कुछ क्षणों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं, सचेतन सावधान सावचेत बने रहें, भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही है।